Please find its factorized prime factors. डन ओके बच्चे प्लीज सेटल डाउन। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ एयर एंड देयर मूव कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप दैट। हाँ जी बच्चों हो गया जी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? हाँ जी प्लीज जिस बच्चे ने कर लिया प्लीज कम नियर टू द माइक। अभी एक आवाज आ रही थी ना कि कर लिया जी। यार नहीं हो रहा, छोड़ दो। हाँ जी थ्री सर फर्स्ट फैक्टर इज 3। राइट जी, फर्स्ट फैक्टर इज थ्री। सो देखिए बच्चों इस नंबर का जो सम है, डिजिट्स का सम है, दैट कम्स आउट टू बी 18 विच इज ए डिविजिबल बाय थ्री। तो हम सबसे पहले इसको थ्री से डिवाइड करेंगे जी। थ्री टू जा सिक्स, इज दिस क्लियर जी सबको? क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर विल बी अगेन थ्री, सो व्हाट इट कम्स आउट टू बी? नेक्स्ट 81 फैक्टर अगेन थ्री, 27 3 सो नाउ वी हैव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729। सो व्हाट वी गॉट? हाउ मेनी टाइम्स थ्री इज देयर? सिक्स सिक्स टाइम्स राइट। कैन वी राइट दिस एज, कैन वी राइट और नॉट? जो यस हम एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करके इसको इस तरह लिख सकते हैं जी। सर नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729 मीन्स 729 रेज टू पावर 1/3 वी हैव टू फाइंड। इज दिस क्लियर और नॉट? सो वी कैन टेक इट्स पावर एज 1/3, इज क्लियर और नॉट? या एक काम कीजिए, आपको देखिए ये 3 रेज टू पावर 6 है हमारे पास। क्यूब रूट का क्या मतलब है बच्चों? पावर 1/3, इज दिस क्लियर यस और नो? सो पावर 1/3 लिया तो दोनों तरफ पावर 1/3 ले लिया क्यूब रूट। सो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई द पावर्स। बच्चे हमारे पास एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, इफ पावर इज ए रेज टू पावर एम, 4 रेज टू पावर m, देन पावर्स कैन बी मल्टीप्लाइड यस नो? मैं क्यूब रूट एक तरफ ले रहा हूँ लेफ्ट साइड, तो आई हैव टू टेक ऑन द राइट साइड आल्सो। दोनों तरफ मैंने पावर्स ले लिए जी। इज दिस क्लियर? सो नाउ पावर विल बी कट आउट। सो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 729? 9 राइट। तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। सबसे इजी मेथड क्या है? आपके पास फैक्टर्स आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो ये जो थ्री पेयर्स बना है इसमें से एक डिजिट ले लीजिए जी, मल्टीप्लाइड बाय जो दूसरे हैं उसमें से एक डिजिट ले लीजिए जी। सो दिस इज अ वे टू डू दिस। सो आपके पास क्यूब रूट क्या आ गया बच्चों? 9 9। क्लियर है जी? हाउ टू फाइंड आउट क्यूब रूट? अनदर मेथड टू फाइंड आउट द क्यूब रूट कीजिए, दैट दैट मेथड इज एस्टिमेशन मेथड। आप सब नंबर्स का उससे नहीं फाइंड आउट कर सकते, यू कैन ओनली फाइंड द परफेक्ट क्यूब्स बाय दैट मेथड। वाला मेथड मैं आपको बता देता हूं बच्चों, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे उससे कुछ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है बच्चों, लेट्स से द नंबर इज 17576 राइट। 17576 जब भी आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, जैसे हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, पीछे से दो दो के फैक्टर्स बनाते थे, दो दो के ग्रुपिंग, तो यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो यू हैव टू मेक इट्स पेयर्स ऑफ थ्री ईच फ्रॉम द एंड।
पीछे से स्टार्ट करने हैं बच्चे। यहाँ पे अगर आपके पास दो डिजिट बचे हैं तो नो प्रॉब्लम, लीव इट एज टू डिजिट्स, राइट? इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट 576, राइट? व्हाट इज द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस? सिक्स। सिक्स। नाउ अब जब हमने लास्ट क्लास में क्यूब्स किए थे डिफरेंट नंबर के, सिक्स जो है किसके क्यूब में आ रहा था? यूनिट सिक्स, सिक्स। राइट? सो मींस यहां से आपको जिस जो नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट मिल गया जी। इफ इट इज सिक्स, सो जो नंबर जिसका ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, तो उसके एंड में सिक्स आएगा जी, राइट और नॉट? यहां तक कोई डाउट? आपको यूनिट हाँ डिजिट मिल गया यहां से, यस और नो? यस सर। नाउ अब दूसरे ग्रुप पे आ जाइए। दूसरा ग्रुप क्या है? 17। नाउ 17 जो है वो इससे छोटा नंबर जो एक परफेक्ट क्यूब है वो कौन सा है जी? विच नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब स्मॉलर देन 17? एट। वेरी गुड। और इससे बड़ा नंबर कौन सा है इमीडिएट? 27। नाउ दिस इज द क्यूब ऑफ 3 एंड दिस इज द क्यूब ऑफ, सॉरी, दिस इज द क्यूब ऑफ 2 एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 3। 17 जो होगा वो 2 की तरफ होगा बच्चे, क्योंकि 3 तो ज्यादा है उससे, तो ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना? नो मींस इट बिटवीन 2 एंड 3, राइट? सो हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट आ गया है, जो स्मॉलर डिजिट होगा दैट विल बी योर नेक्स्ट डिजिट, राइट? सो नंबर इज 26। तो ये किस नंबर का क्यूब हो गया बच्चे? दिस इज क्यूब ऑफ 26। समझ में आया बच्चों? नहीं आया जी? सेम यू कैन फाइंड आउट विद प्राइम फैक्टराइजेशन। आप चेक करो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ये। रिपीट इट। ओके देखिए बच्चों, आपने सबसे पहले जो भी नंबर लिया उसके 3-3 के ग्रुप्स बना दिए, इज दिस क्लियर? जो पीछे वाला ग्रुप है, जो एंड वाला ग्रुप है, उसको लिया, उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है? सिक्स। सिक्स किसके क्यूब में होता है लास्ट डिजिट? आप 6 क्यूब लेते हैं तो क्या होता है बच्चों? 6 क्यूब कितना होता है जी? 216। यहाँ पे लास्ट डिजिट कौन सा आ रहा है? 6। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा बच्चे? उस नंबर का क्यूब होगा जिसका यूनिट प्लेस पे 6 होगा, राइट? और किसी नंबर का तो क्यूब नहीं हो सकता है ये, यस और नो? तो दिस विल बी, वी हैव गॉट द यूनिट प्लेस डिजिट, तो यूनिट प्लेस डिजिट इज 6। नाउ अब हमें टेंस प्लेस का डिजिट निकालना है जी, राइट? टेंस प्लेस का डिजिट निकालने के लिए क्या करना है? जो दूसरा पेयर है, राइट, उसका इमीडिएट पहले वाला परफेक्ट क्यूब और इमीडिएट बाद वाला परफेक्ट क्यूब लेना है। मतलब 17 है, 17 से छोटा जो परफेक्ट क्यूब है दैट इज 8, और उससे ग्रेटर जो परफेक्ट क्यूब है दैट इज 27। इज दिस क्लियर और नॉट जी? तो यस 8 जो है वो 2 का क्यूब है और तो 27 जो है वो 3 का क्यूब है। इज दिस क्लियर बच्चों? तो हमें जो है लोअर वाली डिजिट लेनी है, हायर वाली नहीं लेनी है। इज दिस क्लियर? यस। तो लोअर डिजिट क्या है बच्चों आपके पास? 2, तो यू विल पुट 2, तो दिस इज द क्यूब ऑफ 26। इज दिस क्लियर? अगर हम ट्रांजिशन से चेक करते हैं इसको, आप ट्रांजिशन से चेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 पे, 2 8 7 था, क्लियर है जी? अगेन 2 पे, 4 3, अगेन 2 पे, समझ आ रहा है बच्चों? नाउ नाउ इट बिकम्स ए ऑड नंबर, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट किस नंबर पे डिविजिबल होना चाहिए ये जी?
थ्री पे डिविजिबल है बच्चों, सेवन नो पे नो, सर। नाइन पे होगा नहीं क्योंकि नाइन इज नॉट ए पर प्राइम नंबर, इलेवन पे तो ये जाएगा आपका थर्टीन पे जी, थर्टीन वन जा थर्टीन, थर्टीन सिक्स जा 78 राइट, इलेवन 117 तो नाइन जा, देखिए बच्चों 13 आ गया जी यहाँ पे, तो एक पेयर बन गया आपका थ्री का, एक 13 का और एक टू का, सो व्हाट विल बी इट्स क्यूब इज 26, क्लियर है जी, यस और नो? यस चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों 4096 राइट, अगेन इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे हम जी, लास्ट थ्री डिजिट एंड फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज फर्स्ट डिजिट है सिक्स है, सो व्हाट विल बी द नंबर एट द यूनिट्स प्लेस, सिक्स आ गया यहाँ से आपके पास, सिक्स आ गया बच्चों, नाउ दिस इज फोर, फोर जो है दैट लाइज बिटवीन वन एंड क्यू, तो मीन्स वन इज देयर मीन्स इट लाइज बिटवीन द क्यूब्स ऑफ फोर एंड टू, तो इट विल बी वन हियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जी, यस कोई डाउट? चलिए एक, हाँ जी बोलिए बच्चे, यस एनी क्वेरी, नो क्वेरी, चलिए बच्चों एक एक नंबर है बच्चों, नाउ दिस इज अ नंबर, दिस इज ए, अभी हमने फोर डिजिट नंबर किया है, फाइव कर चुके हैं, दिस इज ए सिक्स डिजिट नंबर, अगेन इसकी पेयरिंग कर देंगे बच्चों राइट, तो लास्ट डिजिट इज फाइव, फाइव, तो व्हाट विल बी द नंबर एट यूनिट्स प्लेस, फाइव, बिकॉज फाइव के क्यूब के अंदर ही फाइव आता है जी, दूसरा नंबर ले लीजिए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नंबर बड़ा है, नाउ 857, इससे छोटा जो है परफेक्ट क्यूब कौन सा आ रहा है बच्चों, 729 एंड ग्रेटर कौन सा है, इज अ क्यूब ऑफ नाइन, तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा जी, तो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 95, क्लियर है बच्चों, एनीथिंग नॉट क्लियर, एनीथिंग? चलिए ठीक है आगे चले जी, चलिए जी अब हमारे पास जो क्यूब और क्यूब रूट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों आपको, मीन्स क्यूब आपको फाइंड आउट करना आता है, क्यूब रूट के दोनों मेथड मैंने बता दिए आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन भी और एस्टिमेशन भी, नाउ शैल वी मूव टू द असाइनमेंट्स, यस यस सर, यस असाइनमेंट में आ जाइए जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन इज 1728, इट्स क्यूब रूट इज इक्वल टू 4 इंटू वाई इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड व्हेन वाई इज 3 राइट बच्चों, हमें बताना है कि वाई की वैल्यू अगर 3 है तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपको 1728 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, किसके इक्वल आ रहा है जी, ट्वेल्व क्यूब होता है ये, सो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
So now what will be answer? It will be true or false? It will be true. True. So this equation is satisfied by y is equal to 3. Hence it is true. True, sir. Right, bacho? Yes, sir. Yes, sir. सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है कि अगर y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दे तो दैट इज इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू ट्राई, विल यू ट्राई या नॉट, बताइए बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जरा. प्लीज सर. हाँ जी सर, प्लीज ज्वाइन एट ए. Again, they are out. Yes. Now we have to check whether this is true or not. Right? How to check this? Can we write this as is this clear or not, bacho? Can we write it like this? Yes. Kisko koi doubt? No. 27 is the cube of 3. 27 is the cube of 3. ये समझ में आ रहा है यहाँ तक ये स्टेप या नहीं? सर यस. नाउ टेल मी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू. क्या करेंगे इसके बाद? अगर सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी जी. यस सर. कैंसल. तो ये बन गया आपके पास 3² = 9 विच इज इक्वल आ गई जी. सो हैंस इट इज True. Is this clear, bacho? Yes, sir. Yes, sir. Next question पे आ जाइए. Powers देखे घबराना नहीं है आपको जिस तरह से लिखी हुई है ये. Next question is, next question देखिए जरा. देखिए बच्चों, क्वेश्चन इज दिस. नाउ जब भी आपको कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन या जैसे ट्रू फॉल्स है ना ये, बट नेचुरली यू हैव टू चेक वेदर दिस टर्म इज इक्वल टू 4 और नॉट. सो आप कैसे करते हैं? नाउ ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड. तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए जी. पहले इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर. नाउ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस टर्म? अगर आप एक नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं और उसका अगेन स्क्वायर कर रहे हैं, व्हाट इज द मतलब ऑफ स्क्वायर रूट? जी स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है बच्चों? पावर 1/2. द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट इज 1/2. बच्चों यस नो प्लीज आंसर समथिंग. यस यस सर. तो अगर आप इसको स्क्वायर कर रहे हैं फर्दर, तो ये पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी. तो दिस विल कम एज 19 ओनली. यस. नाउ व्हाट दिस बिकम्स? 12^2 × 1/2. तो दिस इज कैंसिल. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद? 19 + 12 / 1/3 which is equal to 31 / 1/3.
इस 31 ए परफेक्ट क्यूब, इस 31 ए परफेक्ट क्यूब और नॉट? नो नो. तो आंसर विल आंसर इज गिवन 4. इज दिस ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. ठीक है बच्चों, समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है इसको? बच्चे जब भी आपको ट्रू फॉल्स आए, एमसीक्यू आए, प्लीज सॉल्व देम. बच्चे समझते हैं कि एमसीक्यू बहुत इजी होते हैं, ट्रू फॉल्स कुछ भी लगा दो देख के जो भी लग रहा है, पर ऑलवेज सॉल्व देन आंसर. राइट, इज दिस क्लियर? यस यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसपे. यस, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज 216 इज -6. क्यूब रूट ऑफ एक्स इज -6. व्हाट वी हैव टू फाइंड देन? एक्स इज इक्वल टू -216 जी. नाउ we have been given cube root of x is equal to -6. Now we have to find the value of x. So can we write this as, right ji? Ab hame ye jo power hai, power ko eliminate karna hai 1/3 ko, to hum kaise karenge ji? How to eliminate this power? Move it to other side. How come? Can go to other side. So we will move it and take the reciprocal of 1/3 and make it 3. Who is there? Please, can you come on the screen if I can see you? Who is answering this question, beta? Camera. 8 D mein. B. हाँ जी बच्चे, ये कौन सा फार्मूला होता है जो आप बोल रहे हो? सर, व्हेन अ पावर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज मूव टू अदर साइड, वी आर टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, राइट, यू आर राइट, बट यू कैन पुट इट इन अ बेटर वे कि क्यूबिंग बोथ साइड्स. हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं जी. क्यूबिंग बोथ साइड्स, इसका क्या मतलब है? दोनों तरफ की पावर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पावर को 3 ले रहे हैं दोनों तरफ. इज इट क्लियर बेटा? सो दिस 3 एंड दिस 3 विल बी कैंसल आउट, इट विल बिकम राइट. इज दिस क्लियर बच्चों और नॉट? यस सर. यस, व्हिच बाय व्हिच यू कैन डू दिस. यहां पे आपको x की वैल्यू गिवन है, पुट वैल्यू ऑफ x हियर. What is the value of x? 216. Right? Is this clear? So this becomes -6 whole cube raised to power 1/3. So this 3 will be cancelled out. It is -6. ठीक है? दोनों ही वे से करेक्ट है, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं. Yes. Right बच्चों? Yes sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले. 8D joined? Yes sir. बच्चे क्या बात, आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्टेबल नहीं है आज? पहले सेक्शन ए वाज आउट ऑफ द मीटिंग, नाउ सेक्शन डी. अभी भी आई थिंक ए बी सी डी, सेक्शन ए इज अगेन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5. क्यूब रूट, देखिए आप लोगों को लिए इजी बनाने के लिए मैं क्यूब रूट की फॉर्म में लिख रहा हूं. इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, then x is 20.
Is this clear, ji? Is it clear or not? Yes. Now it is given 480 raised to power 1 by 3 is equal to 3 raised to power 1 by 3 into 2 into x raised to power 1 by 3. देखिए बच्चों कैसे कर सकते हैं हम इसको. 480 के आप प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए पहले. सबसे पहले 480 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? 240 60. Is this clear? राइट बच्चों, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए. नाउ कैन दिस बी रिटन एज, सी दिस इज 2 रेज टू पावर 5, कैन दिस बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यस और नो बच्चों? Anything not clear, ji? No. Now, this is power is 3. Here is 1 by 3. Can we write this as multiplied? Baki sare jo hai, same way mein rahenge. 4 into 3 into 5 raised to power 1 by 3. Ye step samajh aaya bachcho? Jiski power cube thi, usko humne separate kar liya powers. Humne yahan pe property laga di hai ek. ए बी होल रेस टू पार एम इज इक्वल टू ए रेस टू पार एम इंटू बी रेस टू पार एम. अब ये जो आपके पास ए हो गया और ये सारा पार्ट जो है बी हो गया, इनकी सबकी पावर्स अलग अलग हो गई हमारे पास जी. राइट और बच्चों, कैन वी, मैं थोड़ा और आपके लिए इजी कर देता हूं. कैन वी राइट दिस एज, दिस एंटायर टर्म इज ए, ए रेस टू पार एम इंटू बी रेस टू पार एम. समझ में आया बच्चों? नहीं आया? नाउ इज दिस इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा देंगे. ए रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी रेस टू पावर एम. ये समझ में आया बच्चों स्टेप या नहीं आया? यस सर. ये थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगी पावर, सो यू आर लेफ्ट विद दिस. इंटू फोर फाइव जै 20 इंटू थ्री रेस टू पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 1 बाय 3 इंटू 2. यहां तक कोई डाउट? नो सर. तो ये 2 और 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. यस सर. तो हेयर यू आर लेफ्ट विथ 2 20 इंटू 3 रेस टू पावर 1 बाय 3 is equal to 3x raised to power 1 by 3. अब दोनों तरफ पावर सेम है तो पावर विल कैंसल आउट. पावर विल कैंसल आउट, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद? 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 3x. व्हाट विल बी x? x इज 20. वी हैव टू प्रूव दिस. Yes or no, bacho? Yes, sir. Yes, sir. Ian, I think one class has left the meeting. Rather, two class, A and D. Please note down this question, bacho. Yes. Haan ji, bacho, ho gaya note down? Sir, yes. Yes. ओके आगे चलते हैं जी. नो वाले भी है कुछ? हाँ जी. यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हम.
4096 raised to power 1 by root 3 raised to power root 2 whole square is equal to 26. We have to check whether it is true or false. Right, bacho? Yes, sir. देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है क्वेश्चन. सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या है. इजी बनाते हैं जी. सबसे पहले यहाँ देखिए रूट टू होल स्क्वायर. तो यहाँ से स्क्वायर से रूट टू कैंसिल हो जाएगा जी. मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा इसका. यस सर. राइट. सो व्हाट दिस बिकम्स 4096 वन बाय रूट थ्री. दिस विल बिकम टू. देखिए बच्चों रूट टू का स्क्वायर है तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टू. बच्चे स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर वन बाय टू और ये ऊपर स्क्वायर है तो ये पावर कैंसिल हो गई. सो दिस कम्स इक्वल टू टू. यहां तो कोई डाउट जी? नो सर. राइट. नाउ 4096 इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट? यस सर. किस नंबर का क्यूब है बेटा ये? तीन. हाँ जी 16. अभी हमने किया था ये 16 का क्यूब है. सो कैन वी राइट दिस एज 16 क्यूब और यहाँ पे ऊपर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. यस इज इक्वल टू 26. राइट. अगेन पावर विल बी मल्टीप्लाइड. यहां तक कोई डाउट बच्चों? नाउ वी कैन राइट दिस एज 16 रेज टू पावर. सी इफ वी हैव 3 अपॉन रूट 3 व्हाट वी कैन राइट इट एज. कैन वी राइट इक्वल टू रूट 3 बिकॉज 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 3. यस और नो बच्चों? Yes. This can be written as root 3. So this will cancel out and become root 3. Now we have power as 2 root 3. Right? ठीक है जी. अब now you can write this as 4 square raised to power 2 root 3. Can this be equal to 26? Can this be equal to 26 or not? No. No, bache, no. Why? Because the factors of 26 has 2 and 13. But yahan pe factor mein 13 to nahi aa raha hai. Yes or no? Yes. So therefore, this will be false. Right? You need not to solve further because you will not get any result. So, आपका जो क्वेश्चन था कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे बच्चों ये 4 जो है इसके फैक्टर्स 2 है. यहाँ पे 2 और 13 है. सो दिस साइड वी डज नॉट हैव 13 एज ए फैक्टर. सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. राइट. प्लीज नोट डाउन दिस. प्लीज नोट डाउन दिस बच्चों. हेलो होगी. टाइम हो गया. Yes, हो गया. ओके बच्चों कल मिलते. कल तो छुट्टी है. तो एंजॉय योर दशहरा. विशिंग यू ऑल ए हैप्पी. थैंक यू. थैंक यू बच्चों. हैप्पी दशहरा इन एडवांस. हैप्पी दशहरा. थैंक यू बच्चों. हैप्पी दशहरा. हैप्पी दशहरा. हैप्पी दशहरा.